हेलो दोस्तों, हमने आज Redmi Note 7 Pro मंगाया है। अभी फ्लिपकार्ट से अभी आया है, तो इसका हम रिव्यू करते हैं, देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं क्या है इसमें। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, Redmi Note 7 Pro का 48 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल डुअल कैमरा में आ रहा है। तो यही देखिए, ये प्रोडक्ट है, मैंने अभी मंगाया है, अभी आया है। तो इसको हम खोलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि ये 4GB 64GB ब्लू कलर का है, और ये दिया है, मतलब लोगो वगैरह दे रहा है इसका, और ये दे रहा है 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल AI डुअल रियर कैमरा है इसका। और इसका जो है प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 675 है, और इसका स्क्रीन 6.3 का है और फुल HD है, और 4000 mAh की बैटरी है। और यहाँ भी वही सब दिया हुआ है इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह। तो इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक इसमें कवर दिया हुआ है, बैक कवर, और ये इसका मैनुअल कार्ड दिया हुआ है, यूज़र गाइड कार्ड। इसको हम रख देते हैं। और ये देखो दोस्तों, ये हमारा मोबाइल दिया हुआ है, इसके ऊपर वो कवर लग के आया हुआ है। और ये है इसका पीछे का कलर्स वगैरह, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 48 मेगापिक्सल AI डुअल कैमरा। और ये इसका फ्रंट में, और अंदर देख लेते हैं अभी क्या क्या है अंदर। ये देखिए, ये मेरा चार्जर है, और ये चार्जर का केबल है, सी पोर्ट है ये, और तो इसके अंदर और तो कुछ है नहीं। और अब हम अपना मोबाइल ऑन करके देख लेते हैं, इस कवर को निकाल देते हैं। ऑन करते हैं मोबाइल, ये देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छा लुक आपको मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ साइड में बटन दिया हुआ है, और यहाँ माइक वगैरह और सी पोर्ट केबल दिया हुआ है चार्जिंग के लिए, और इसका ये सिम डालने के लिए दिया हुआ है पोर्ट। और ये देखिए, जैसा ऑन हो गया, इसको ऑन करते हैं और इंग्लिश इंडिया कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और रीज़न पूछ रहा है, तो रीज़न हमारा इंडिया है, इंडिया चूज़ कर लेते हैं, इंडिया, नेक्स्ट करते हैं। ये इसको स्किप कर देते हैं, और ये अपना टर्म एंड कंडीशन वगैरह दिखा रहा है, तो इसको नेक्स्ट करते हैं। सिम कार्ड के लिए अभी चेक कर रहा है, सिम कार्ड तो मैंने डाला नहीं है, तो नेक्स्ट कर देते हैं। और ये गूगल सर्विस वगैरह दिखा रहा है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये पासवर्ड सेट करने के लिए बता रहा है, तो ओनली स्क्रीन लॉक कर लेते हैं अभी, और पैटर्न में कर लेते हैं। कंफर्म करते हैं, और ये एडिशनल सेटिंग वगैरह दे रहा है, लोकेशन और यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम वगैरह का, तो इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये थीम दे रहा है, वही पुराना वाला थीम है जो सभी में आता है, तो इसको नेक्स्ट कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट सेट करके। और सेटअप कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट करते हैं। ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। ये फ़ोन वैसे काफ़ी अच्छा है, इतने रेंज में, 14000 के रेंज में सबसे अच्छा फ़ोन है जहाँ तक मुझे लगता है, और इतने कम प्राइस में इतना अच्छा फ़ोन शायद ही मार्केट में अभी नहीं आया है, तो ये बहुत अच्छा फ़ोन होने वाला है आपके लिए। और अभी इसको देखते हैं अंदर, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे हैं, फिर आपको बताते हैं।
ये देखिए दोस्तों ओपन हो गया। ये उसका थीम तो ही पुराना वाला है जैसे सभी रेडमी के फ़ोन में देता है। और इसका हम कैमरा वगैरह थोड़ा देख लेते हैं, कैमरे पे क्लिक करते हैं, अलाउ करते हैं एआई कैमरा, ओके कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों एक फ़ोटो पिक करके हम दिखाते हैं आपको इसका। ये देखो दोस्तों इसका फ़ोटो किस तरह से आया है, काफ़ी अच्छा इमेज आ रहा है इसका। और सेटिंग वगैरह में देख लेते हैं, सब वही तो सब लगभग सेम फीचर्स हैं जैसे एमआई के सभी फ़ोन में होता है, और बस इसके फीचर्स थोड़े अलग हैं उसी तरह। यहाँ अबाउट फ़ोन में देख लेते हैं, यहाँ देखिए आपको रेडमी और रेडमी नोट 7 प्रो और एंड्राइज वर्जन 9 है, और सिक्योरिटी लेवल इसका दिखा रहा है और वर्जन 10 है इसका, और मॉडल नंबर इतना है, सीपीयू और रैम 4 GB का है और इंटरनल स्टोरेज 64 का है लेकिन 51 GB अवेलेबल है, और इसका बैंड वर्जन है ये कर्नल वर्जन 4.1 है। और इसका स्टेटस वगैरह देख लेते हैं इधर से, बैटरी लेवल 59% और सिमोन वगैरह का दिखा रहा है, IMEI दिखा रहा है, और ये वाईफाई एड्रेस वगैरह दिखा रहा है। और इसमें यहाँ देखिए फ्रंट कैमरा इधर लगा हुआ है हमारा, और यहाँ बगल में एक सेंसर है छोटा सा, आपने ये देखिए जल रहा है बहुत स्लो से, सेंसर लगा हुआ है। और ये इसका ये फिंगरप्रिंट वाला है। तो दोस्तों मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा रहा, अभी तो इसका मैंने अनबॉक्सिंग करा है, अब इसको मैं चला के देखूंगा फिर आपको रिव्यू दूंगा कि कैसा है ये फ़ोन, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो तब तक के लिए धन्यवाद।